मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाई थी। समस्या यह था कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसनोड़ी टाँड पर लड़कों के साथ जात पात एवं लिंग का भेदभाव किया गया था। हम लोग का लाए थे खाली हरिजन को और सारी सारी लड़कियों को। ड्रेस तुम लोग क्यों नहीं पहन करके आती है? ब्लू पैजामा उसका दुपट्टा नहीं है, इसलिए हम लोग गई। सूट के साथ में दुपट्टा नहीं मिला क्या? नहीं नहीं, ये केवल ड्रेस में ही ऐसा भेदभाव हुआ या और कोई चीज में भेदभाव होता है? मैंने इस समस्या को बदलाव लाने का उद्देश्य अपने समुदाय में वीडियो दिखाई और स्कूल के टीचर और गांव के भूतपूर्व सरपंच जी को भी दिखाई। सरपंच के माध्यम से 116 बच्चों को पोशाक मिला। सर, आपका विद्यालय में जो यूनिफॉर्म बांट रहा है, क्या सभी को मिल रहा है? लड़का लड़की सबको? डिम्पी देवी सामुदायिक सेवा की सदस्य को कैमरा के माध्यम से विद्यालय को जागृत की, जिसके तहत विद्यालय में ये सब सुधार संभव हो पाया। सरकार के स्तर से जितने भी सुविधा बच्चों को मिलती है सब में सुधार। मेरे स्कूल में डिम्पी आंटी आए थे, वो एक वीडियो बनाए थे और वीडियो बनाए थे अगला वर्ष लड़के लोग को ड्रेस नहीं मिला था तो मुझे बहुत ख़राब लगा, और इस वर्ष जब लड़के लोग को ड्रेस मिला तो मुझे बहुत खुशी भी, बहुत अच्छा लगा। भेदभाव नहीं हुआ लड़की लड़का में? भेदभाव नहीं हुआ ना? नहीं। तो तुम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं 8 साल से पढ़ता आ रहा हूँ, मुझे कभी नहीं मिली, मुझे एक बार मिली, मैं बहुत खुश हूँ। इस वीडियो में बदलाव लाने में जो भी हमारे मदद किए उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं डिम्पी देवी, जिला कोडरमा से, झारखंड, इंडिया अनहट के लिए।